love you, Chirag. I love you, beta. I love you, mummy. तुम्हारी मम्मा तुम्हारे दिल में सबके लिए इतना प्यार भर देगी कि किसी की भी नफरत या गुस्से के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। इसके लिए मुझे सारे परिवार की मदद लेनी होगी। मम्मी, ये जीव दया क्या होता है? वो समझने के लिए तुम्हें जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे हॉल में चलना होगा मेरे साथ। क्या? चिराग और यश के झगड़े की न्यूज सारे न्यूज चैनल्स पर आ गई है। अच्छा काम किया जो पापा प्राउड फील करेंगे। वो देखो, तुमने जो गलती करी है यश को मारकर, उसकी वजह से तुम्हारी फोटो आ रही है। कुछ अचीवमेंट करके आयो विद्या? एक मिनट, आज नहीं, आज बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो गलती की है ना, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पापा का भी नाम यहाँ पर बदनाम हो रहा है। तुमने हम दोनों को बहुत फेमस कर दिया ना। ये सिखाया था मैंने आपको, ये सिखाया था। दिवंग, दिवंग शांत हो जाइए। बिल्कुल शांत कैसे रहो? चिराग तुम अंदर जाओ, जाओ चिराग। देवांग, अरे चिराग तो छोटा बच्चा है ना, समझ। तुमने उसे डांट दिया तो उसे गुस्सा आ गया, पर तुमने तो गुस्से में उस पर हाथ उठाया। तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते तो छोटे से बच्चे से क्या उम्मीद कर रहे हो तुम? हाँ देवांग बेटा, बच्चों को प्यार से सहलाकर समझाना चाहिए। I'm sorry, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। विद्या बहू, हम अपने बेटे को समझा रहे, तुम अपने बेटे को देखो, जाओ जाके देखो ठीक तो है कि नहीं। पापा से नाराज हो? कोई अपने पापा से नाराज थोड़ी होता है। और तुमने भी तो गलती की ना, गुस्से में आकर टीवी तोड़ दिया। अब तुम्हारे दादाजी और बा अपने कमरे में टीवी कैसे देख पाएंगे? चिराग, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। तुमने कभी देखा है अपने पापा या फिर अल्पेश काका को दादाजी के साथ गुस्से में बात करते हुए? नहीं ना।
लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें पापा ने क्यों डांटा? क्योंकि वो चाहते हैं उनका चिराग सबसे अच्छा बच्चा बने। वो भी तुम्हें मम्मी की तरह प्यार करते हैं। नहीं करते, वो मुझे थप्पड़ मारने लगे थे। पर मारा तो नहीं। और तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हारे दादाजी से तुम पर हाथ उठाने की गलती के लिए सॉरी भी कहा। चिराग, हम सब से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती के लिए अगर हम किसी से सॉरी कह दें तो हमें माफी भी मिल जाती है। बच्चे को होश ना आया ना तो इसका नतीजा आपके बेटे और आपके परिवार के लिए बहुत बुरा होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। आपके बेटे की वजह से मेरा पुत्र अस्पताल में मौत और जिंदगी के साथ लड़ रहे हैं और आप कह रही हैं मैं आपको माफ कर दूं? देखिए, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। नहीं माता जी, अगर आप हमारा दर्द समझ भी लेंगी ना तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दर्द खत्म हो गया। आप शांत हो जाइए, ये समय गुस्से या नाराजगी का नहीं। आपकी इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ ही। बस आप अपना साथ अपने पास ही रखिए। देख लिया आपने कि पूरा परिवार अपने बेटे के बचाव के लिए कैसे आगे आ गया है। आप लोग इसको सिर्फ मेरी धमकी मत समझेगा। मेरे पुत्र को तकलीफ दी है उसे तो मैं सजा दिलवा के रहूंगी। आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, गुस्से में कोई फैसला मत लीजिए। गुस्से में किए हुए फैसले सही साबित नहीं होते। अच्छा, तो तुम मुझे समझाओगी? शांति और गुस्से का पाठ अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। अरे सीखने की जरूरत तो तुम्हें है कि अपने बच्चे की परवरिश किस तरह की जाती है? क्या सिखाया आपने बच्चे को कि दूसरों के बच्चों का मारो? और इतना मारो कि वो अस्पताल में सांसें गिनने के लिए मजबूर हो जाए। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, मैं खुद उसके लिए बेस्ट डॉक्टर्स अरेंज करूंगा। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। देखिए, हमारे चिराग से अनजाने में जो गलती हो गई है उसके लिए आप मुझे सजा दीजिए। हम सब से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती के लिए अगर हम किसी से सॉरी कह दें तो हमें माफी भी मिल जाती है। सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। कान पकड़ कर आपसे माफी मांग रहा है। सच्चे दिल से अगर कोई माफी मांगता है तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। आप भी प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। पर अगर आपको लगता है कि इसे सजा देने से आपका दुख और दर्द कम हो जाएगा तो आपका अपराधी आपके सामने खड़ा है। इसे सजा देना है या माफी, अभी आपके हाथ में है।
जिसने आपके बेटे को दर्द पहुंचाया ना, तो लीजिए आप भी इसे दर्द पहुंचाइए। मैं जानती हूं आप इसे नहीं मारेंगे, क्योंकि आप भी एक माँ हैं और माँ का दूसरा नाम प्यार होता है। एक माँ किसी को सिर्फ माफ कर सकती है, सजा नहीं दे सकती। आज ये माँ दूसरी माँ के सामने हाथ जोड़कर उसके फैसले का इंतजार कर रही है। आप जो भी फैसला लेंगे, मुझे, मेरे बेटे को और मेरे पूरे परिवार को मंजूर होगा। आप बस इतनी प्रार्थना कीजिए कि मेरा पुत्र जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, नहीं तो एक माँ के हाथों दूसरी माँ का दिल दुखाने का गुनाह हो जाएगा। चलो जी। डोंट वरी विद्या, कुछ नहीं होगा उनके बेटे को। शहर के क्या, कंट्री के बेस्ट डॉक्टर्स लेकर आऊंगा मैं। आज ये माँ आपसे प्रार्थना कर रही है कि यश की माँ की ममता पर आँच मत आने देना, उनकी गोद हमेशा आबाद रखना। आज मेरी पूजा, मेरी भक्ति और मेरी श्रद्धा की परीक्षा है। मैं अभी इसी पल से प्रण लेती हूँ, यश को होश आने की या फिर उसके ठीक हो जाने की खबर जब तक नहीं आती, तब तक मैं अन्न जल त्याग करके यही बैठी रहूंगी। हर मामले में चिराग को गलत बोलना मेरा मन नहीं मानता, लेकिन भाभी आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि चिराग के अंदर कितना गुस्सा है। आप कल की ही बात ले लीजिए, विद्या उसे बर्थडे पार्टी में क्या लेकर नहीं गई, उसने तो गुस्से में पूरा घर हिला दिया। तुम जिसे गुस्सा बोल रही हो, मेरी नजर में वो बच्चों की जिद है। पर वो यश ठीक तो हो जाएगा ना, वन न करे उसे कुछ हो गया तो यश की मम्मी पुलिस कंप्लेन करेंगी और उसके बाद चिराग जाएगा जेल में। जेल में? हमारा चिराग जेल में? बच्चों को भी जेल होती है क्या? चुप करो मिली, और शनाया बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो कि क्या बोल रही हो। कुछ नहीं होगा हमारे चिराग को, अंबे माँ विद्या की तपस्या जरूर सफल करेगी। हॉस्पिटल में है, उसकी जिंदगी दांव पे लगी और तुम्हें खेलना है मजे करने? खेलो नहीं तो क्या करूं? चुपचाप बैठे रहो यहाँ पे। मम्मी आप मुझे स्कूल भी नहीं जाने दे रही हो और अब खेलने भी नहीं दे रही हो, मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ।
चिराग, अगर कोई तुम्हें जोर से मारेगा तो तुम्हें क्या होगा? दर्द। और तुम्हारे दर्द की परवाह किए बिना अगर सब लोग मस्ती करें, मजाक करें, तो तुम्हें कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं। तो यश वहां हॉस्पिटल में दर्द में, और तुम यहाँ खेल रहे हो, मजाक कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए मम्मी? बेटा, तुम्हें अपने गलती का एहसास होना चाहिए, उसके लिए सॉरी फील करना चाहिए। किया तो था, मैंने यश की मम्मी को सॉरी बोला था। सिर्फ सॉरी बोलने से माफी नहीं मिलती, उसके लिए तुम्हें दिल से पश्चाताप करना पड़ता है। मम्मी, ये करने से क्या होता है? पश्चाताप करने से सारी गलतियाँ, सारे पाप मिट जाते हैं। जैसे तुमने यश को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी, अब अगर तुम अपनी गलती का पश्चाताप करोगे तो यश ठीक हो जाएगा और फिर उसकी मम्मी और दोनों तुम्हें माफ कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, मम्मी तुम्हें फिर से स्कूल भी जाने देंगे। मम्मी ने तो मुझे ये बताया ही नहीं कि ये कैसे करते हैं। चिराग इधर आओ। इधर देखो, ये मेरा बेटा। सॉरी बेटा, पापा ने आपको डांटा, आप पे हाथ उठाया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गुस्सा हो पापा से? आपको भी अपनी गलती के लिए पश्चाताप? हाँ बेटा, पापा को अपनी गलती के लिए पश्चाताप हो रहा है। पर पापा, ये कैसे कहते हैं? ये क्या होता है? बेटा, पश्चाताप का मतलब होता है रिग्रेट होना, अफसोस होना। जब हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई हर्ट हो जाता है ना, तो उसके लिए कुछ खास करना। समझ में आया? बेटा एक मिनट आप बैठो, पापा का फोन आ रहा है। तुम्हें अपने गलती का एहसास होना चाहिए, उसके लिए तुम्हें दिल से पश्चाताप करना पड़ता है। I'm sorry.
देवा, क्या हुआ तुम्हें? बाबू क्यों रो रही है तुम? बाबू, बाबू क्या हुआ तुम्हें? विद्या मुझे बताओ तो सही बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो? बाबू क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? देवा, हॉस्पिटल से फोन पे आता।